सो गाइज आपने कमेंट किया था कि भाई इसकी स्पीड बढ़ाओ, पहले ये 12 वोल्ट पे ऐसे चलता था जैसे 3 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी 12 वोल्ट के ऊपर ये इतनी स्पीड पे चल रहा है कि आप इसको स्पीड भी मिल गई और टॉर्क तो इसके अंदर लाजवाब है, आप इसको रोक नहीं सकते चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके 3 वोल्ट से मैं इसको चलाऊंगा और सिर्फ 3 वोल्ट से ही ये 5 किलो वजन को खींच लेता है बहुत ही आसानी के साथ। आप देख सकते हो उसमें कितनी ज़्यादा पावर है। अगर 12 वोल्ट की बात करूँ मैं तो 12 वोल्ट से तो 5 किलो वजन इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। सो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें गियर मोटर जो कूलर में लगता है, ये 60-70 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा। इसके बाद इसको खोल लेना है और खोलने के बाद इसके सभी गियर को केयरफुली बाहर निकाल लेना है। आपको याद रखना है कौन सा गियर आप कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो वन बाय वन आप देखिए किस तरीके से इसके गियर निकलेंगे। पिछली बार हमने इसका बीच का गियर मॉडिफाई किया था, इस बार हम ये वाला गियर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और इसको हम बीच में लगा देंगे। तो इस गियर को हम निकाल लेते हैं और इसी गियर को मॉडिफाई करेंगे और इसको हम मोटर के अंदर लगा देंगे। तो मोटर की टिप को हमें पतला करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आपको सभी गियर निकाल के दिखा देता हूँ कि एक गियर को आपको याद रखना है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको वीडियो देख के आसानी से बना सको। पीछे की कॉयल जो है हमें निकाल लेनी है, इस कॉयल को बाद में हमें 2 कट मार के वापस इसमें लगाना पड़ेगा, तो कॉयल की जरूरत पड़ेगी। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। बीच की मोटर को हम निकाल लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले इसका गियर मैंने बीच में लगाया था, अब की बार ये गियर नहीं लगाने वाले हैं। और ये कॉयल हमारी निकल चुकी है, इसको एक तरफ रखते हैं और अभी इसका जो बॉक्स है इसकी टिप हम निकाल लेते हैं जो बीच में लगी हुई है। इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम होल करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके अंदर मैं मोटर बनाने के लिए जगह बना लेता हूँ, मोटर लगाने के लिए सॉरी। तो ये दोनों जो पिन हैं इनको मैं मोड़ मोड़ के निकाल लेता हूँ, ये आमने सामने की है, ताकि यहाँ पे हमारे स्क्रू टाइट हो सके मोटर के ऊपर, ठीक। सिंपल तरीके से इसको इस तरह फोल्ड कर करके बाहर निकाल लेना है हमें, ठीक। अब इसके बाद गाइज हमें क्या करना है, इसके मॉडिफिकेशन के लिए हमें मोटर इसके अंदर लगानी है। तो इतना बड़ा होल करना पड़ेगा कि ये कॉलर इसके अंदर आ जाए, मोटर का जो कॉलर है वो इसके अंदर फिट हो जाए, ये वाला कॉलर मोटर के अंदर हमें फिट करना है। तो हम होल कर लेते हैं इतना बड़ा कि मोटर का कॉलर इसमें इजीली चला जाए। अब हम मोटर की टिप को पतला करेंगे ताकि ये जो गियर है ये मोटर के ऊपर इजीली अटैच हो जाए। तो इसकी टिप को हमें पतला करना पड़ेगा, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको लगाएं बांक में और इसको चालू कर दें किसी भी पावर सोर्स से, और उसके बाद एंगल ग्राइंडर से इसको ग्राइंड करेंगे, जितना चाहे उतना पतला कर लें। आप में से कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे मोटर की जो टिप है वो 5 mm की है, उसको हमें 3 mm करना है, 2 mm करना है। तो भाई देख लो इस तरीके से इजीली कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल सेंटर में रहेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, गियर को इस पर लगा के देखेंगे। ये काम आपको बीच बीच में करते रहना है ताकि आपकी टिप इतनी पतली ना हो जाए कि गियर उसमें लूज़ हो जाए। तो जब तक आपका गियर इसके अंदर फिट नहीं आए आपको इसको टिप को ग्राइंड करते रहना है और ये पतला हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो गियर हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर लगा के मोटर को चलाएंगे और रेगमाल लेके इसके ऊपर के जो दांत हैं उनको ग्राइंड कर देंगे, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ताकि हमारा गियर छोटा हो सके। और ध्यान रखना कि गियर के ऊपर वाले दांत ना ख़राब हो जाएं, बिल्कुल ईजिली इसको ग्राइंड कर ले। उसके बाद जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो हमें इसको एरोलाइट से चिपकाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एरोलाइट, एरोलाइट ज़रूर ले लें मार्केट से, हार्डवेयर वालों के 20-1 रुपये की ट्यूब मिलती है और आपका सारा काम हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो आराम से इसके ऊपर लगा के इसको सूखने देना है, ठीक है। सो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से सूख चुकी है, एरोलाइट का जोड़ आसानी से खुलने वाला नहीं है, तो बहुत अच्छी से ये सूख गई है। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसको असेंबल करेंगे सारे पार्ट को। तो ये हमारा कवर है, तो सबसे पहले मैंने एक पैकिंग बना रखा है। पिछली बार जो मैंने पैकिंग बनाया था वो थोड़ा बड़ा था, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम निकाल देंगे इसको और ये कवर इसके ऊपर अटैच करेंगे। जो दो पिन हमने इसके अंदर से निकाली थी हिला के, वहीं पे स्क्रू लग जाएंगे। तो इस बार हमें एक स्क्रू लगाना है, इसमें 2 नहीं लगाने, क्योंकि इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा बाद में, तो इसलिए हमें एक ही स्क्रू से काम चलाना पड़ेगा और दूसरे साइड में हम एरोलाइट लगा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो एक स्क्रू अच्छे से टाइट कर लें और ये एडजस्टेबल रहना चाहिए इस तरीके से, देख रहे हो आप, इस तरीके से हिलता होना चाहिए ताकि ये सेंटर वाला गियर साइड वाले गियर से टच हो सके। तो अभी इसके कॉयल के जो 2 टुकड़े काटे थे वो इसमें लगाने, और इसको काटने का रीज़न गाइस सीधा सा है कि ये अगर नहीं कटता तो बीच में जो स्क्रू है वो इसको लगने में प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो हमने बीच में स्क्रू लगा दिया और दोनों साइड में ये लगा दी, तो ईजिली फिट हो जाएगा। तो अभी इसकी प्लेट लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसकी प्लेट का एक सेंटर होता है, ये होल देख रहे हो, इस होल के ऊपर एक राउंड में एक होल है, उस होल के ऊपर ये वाला कट रखना है आपको, इसी सेंटर में आपको ये प्लेट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये प्लेट हमारी अटैच हो चुकी है और अभी हम इसके ऊपर गियर लगाने फिट कर देंगे। ये अच्छे से बैठ गई, अब इसके ऊपर लगाने शुरू करते हैं 1 by 1 गियर जिस तरह हमने निकाले थे।
सो गाइज यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि हमने क्यों इसके अंदर एक स्क्रू लगाया था, ताकि एडजस्टेबल रहे, ताकि ये गियर से टच हो सके, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं रहना है बीच वाला गियर। तो अभी इसके हम गियर को लगाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसको विदाउट कवर के चला के दिखा देता हूँ एक बार कि ये गियर किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 3 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ एक, और उससे मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा गियर बॉक्स प्रॉपर काम कर रहा है। साइड वाला जो गियर था उसको निकाल के हमने बीचों बीच लगा दिया है, और बीच वाला निकाल के फेंक दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्पीड बढ़ गया है और टॉर्क पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो अभी हम इसको फिट करेंगे, लेकिन पहले इसके अंदर ऑयलिंग कर लेते हैं। आप अगर इसमें ग्रीसिंग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, काम चल जाता है, लगभग बराबर ही रहता है। उसके बाद बाकी के गियर को फिट कर देते हैं। ठीक है, सो गाइज हमारा गियर बॉक्स प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका। आई होप आपको बारीक से बारीक डिटेल अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी इसको हम लॉक करते हैं। ये इजीली प्लायर की मदद से आप चोट मार के लॉक कर सकते हो, लेकिन ये बहुत भद्दा लग रहा है। मैंने पिछली बार इसके ऊपर कलर कर दिया था, तो वो मैंने गलती कर दी, तो मैं इसका सारा कलर साफ करूंगा और मैं फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप ये स्टीम इंजन बाय करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक पड़ा है, वहाँ से भी जाके आप इसको बुक कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस साफ सफाई के बाद अब लग रहा है ये ऑनलाइन मिलने वाला मोटर। यहाँ भर दिया एम सील, और एम सील इसके अंदर मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक ही स्क्रू लगाया था, तो दूसरे साइड में मैंने इसके एरो लाइट लगाई और ऊपर से एम सील से इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो ये और भी खूबसूरत लगने लगा। अभी मैं इसको सिर्फ 3 वोल्ट से, मतलब लिथियम आयन का जो सेल आता है उस एक सेल से इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और इसमें इतनी ताकत है ना गाइस कि मैंने अपने कई दोस्तों के हाथ में दिया इसको, एक सेल से चला के मैंने इसे रोक के दिखाओ, लेकिन किसी से नहीं रुका। और दिखने में तो ये खूबसूरत है ही, आप देख सकते हो बिल्कुल ऑनलाइन मिलने वाला जो मोटर होता है ना उसकी तरह है। और टॉर्क बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। पहले का जो आरपीएम था वो बहुत कम था, तो अभी मैंने इसके आरपीएम को इंक्रीज़ कर दिया और बहुत ज़्यादा आरपीएम हो गए इसके। तो अगर आप पिछले आरपीएम की बात करो तो वो 50 to 80 आरपीएम के आसपास होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कम थे। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आरपीएम है। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसकी स्पीड बढ़ा दो, तो मैंने आरपीएम इसके बढ़ा दिए हैं। अगर आपको कम आरपीएम का गियरबॉक्स चाहिए तो आप इसके पिछली वीडियो देख सकते हो, कम आरपीएम में आपको मिल जाएगा, और ये है ज़्यादा आरपीएम का। ठीक है, तो अब 5 किलो वेट इसको कैरी करेंगे हम सिर्फ 3 वोल्ट से। तो यहाँ पे 5 किलो की प्लेट को मैं गत्ते के ऊपर रख रहा हूँ, ताकि इस तरह का फ्रिक्शन ना हो और हमारी रस्सी ना टूट जाए, पिछली बार टूट गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीड आपको स्लो लग रही होगी, लेकिन ये 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है और बहुत इजीली 5 किलो वेट को अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा पावरफुल मोटर बन चुका है। आप चाहें तो इसको बना लें, और अगर इससे स्लो स्पीड का चाहते हैं तो पिछली वीडियो में देख के बना लें। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट करके। चल थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।